दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इसके मस्ती। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अपने आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, जिसे एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिट्ठी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चिट्ठी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसे मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सेब में कौन अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।